अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज हैदराबाद में है 8 जुलाई 2023। कल यहां बहुत शदीद बारिश हुई है, आज बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है, लोग सैर व तफरी के लिए निकले हुए हैं। तो हमने भी सोचा आपको एक तफरीगाह की सैर कराएँ। ये तफरीगाह हैदराबाद में नहीं है, ये है पिटारो में। पिटारो ज़िला जामशोरो का हिस्सा है और हैदराबाद से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है, रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। ये मेरे पीछे आपको रिवर व्यू रिज़ॉर्ट का मेन गेट नज़र आ रहा है और यहाँ पर चलते हैं, अंदर देखते हैं। सुना है कि ये बहुत अच्छा बना हुआ है फैमिली के लिए, अब देखते हैं अंदर क्या है। तो चले चलते हैं रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। का टिकट काउंटर है, यहाँ पे पर पर्सन एंट्री जो है वो 100 रुपए है। 100 रुपए देके पर पर्सन। बच्चों के लिए भी कुछ है नहीं है भाई? बच्चों के लिए 50 और बालिगान के लिए, बड़ों के लिए 100 रुपए एंट्री फीस है। अब हमने यहाँ से अपनी एंट्री कराई है। शिनाख्ती कार्ड नंबर आपको यहाँ लिखवाना पड़ता है, शिनाख्ती कार्ड नंबर के बगैर यहाँ पे एंट्री नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम यहाँ पे अपनी एंट्री कराई है, अब अंदर चलते हैं।
ये है मेन एंट्रेंस रिवर व्यू रिजॉर्ट की, ये आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत यहाँ पे गमले वगैरह लगा के की गई है। एंट्रेंस में ये एक वॉशरूम एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉशरूम वगैरह है, और ये घुसते ही यहाँ पर ये बड़े बड़े पार्क हैं, ये देख सकते हैं। अंदर चलते हैं यहाँ पे, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इसके साथ ही ये बेंच वगैरह लगी हुई हैं, बैठने का सिटिंग इंतज़ाम अच्छा है यहाँ पे, और ये कैंटीन वगैरह है जहाँ पे आप अपनी रिफ्रेशमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये मेन्यूज़ जो भी हैं, मेन्यूज़ उनके प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कैंटीन है। और यहाँ पे डाइन इन नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से ले सकते हैं और पार्क में बैठ के खा सकते हैं, बाकी यहाँ पे डाइन इन नहीं है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये दो हट बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अगर आप बुकिंग कराना चाहें तो ये दोनों हट जो हैं फ़ी हट 4000 रुपये 24 घंटे की शायद ये चार्ज करते हैं। ये दो हट्स हैं यहाँ पे, बड़ी खामोशी है यहाँ पे और परिंदों की आवाज़ें हैं, बड़ा एक अच्छा माहौल है। मगर बैड लक ये हो गई है कि हैदराबाद से जब हम चले थे तो बड़ा खूबसूरत मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ जैसे ही आए हैं हम तो यहाँ पे हवा एकदम बंद हो गई है और गर्मी हो गई है और पसीने हमारे छूटने शुरू हो गए हैं, तो ये देख सकते हैं। ये एक टक शॉप भी है यहाँ पे अलग से कैंटीन के अलावा। ये एक गाइड मैप दिया हुआ है यहाँ पे पूरा इसका, रिवर व्यू रिजॉर्ट का, कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, डिलक्स लाउंज है, ये हट्स हैं इसके साथ, ये बिल्कुल ये सिटिंग अरेंजमेंट भी दरख्तों के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत ग्रीन लॉन्स वगैरह हैं बड़े बड़े, यहाँ पे बच्चे आए हैं तो यहाँ पे खेल सकते हैं। साथ ही ये दरियाए सिंध, ये आप देखिए ये दरियाए सिंध, बहुत ज़बरदस्त माहौल है, ये देख सकते हैं आप। ये दरियाए सिंध आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक सेपरेट एक छोटा सा बना हुआ है इस, बड़ा ये यहाँ खूबसूरत अच्छा माहौल है। दोबारा ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हुई है। यहाँ पे मैंने एक कुर्सी पड़ी हुई देखी है, यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ अभी। असल में अकेले व्लॉग बनाने का यही नुकसान है कि पहले कैमरे सेट करो, उसके बाद जाओ, फिर दोबारा करो, यानी डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको मज़ीद यहाँ का दिखाते हैं थोड़ी देर में। टक शॉप के ये राइट साइड पर ये बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस है इन रिहायशी हट्स की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे आप फैमिली समेत आते हैं तो यहाँ पे इनको 4000 रुपये ये चार्ज करते हैं शायद 24 घंटे के, और उसके बाद आप यहाँ पे ये पुरसकून माहौल में आप रेस्ट कर सकते हैं फैमिली के साथ। ये बड़ा खूबसूरत आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। ये इनके हट्स के दरवाज़े हैं, बंद हैं शायद, और कोई यहाँ है नहीं, तो मगर इनको खोलेंगे भी नहीं क्योंकि सिस्टम। यहाँ से देखते हैं, ये बड़ा एक राहदारी बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये दरिया के बीच में इन्होंने ये रेस्ट के लिए और सेल्फीज़ वगैरह के लिए बड़े अच्छे एक शेड्स वगैरह बनाए हुए हैं बीच में, ये देखिए आप, ये बड़ा ख़ूबसूरत एक शेड है, ये देख सकते हैं आप, ये जाने बिल्कुल ये भी पानी के बीच में है, यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको बड़ा ज़बरदस्त दरियाए सिंध का मंजर नज़र आएगा, सामने मैंग्रूव के दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए दूर दूर तक पानी हवा चल रही है, और ये शेड रिवर व्यू रिजॉर्ट का, चलिए आपको मस्त।
वैसे इंतजाम यहाँ पे काफी अच्छे हैं। ये देखिए, ये हट्स के साथ एक पार्क है, इसमें आप चाहें तो ये बारबेक्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू का सिस्टम पूरा लगाया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना सामान लग के कोयले वगैरह बारबेक्यू कर सकते हैं अपनी। यहाँ पर ये सिंधी सकाफत के कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। ये एक कुआं है, ये देखें, ये एक झोपड़ी नमूने का है जिसको ये थरपारकर की निशानी कहा जाता है, चौरा कहते हैं इसको सिंधी में। ये देखिए आप, ये यहाँ मौजूद है। ये यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये देखिए खूबसूरत तरीके से परिंदों के लिए बास्केट्स वगैरह लगाई गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बोटिंग पॉइंट और किड्स प्ले एरिया, ये इसमें लिखा हुआ है। ये बोटिंग पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। ये यहाँ पे इसे अंदर आके दरियाए सिंध में जो है ये बोटिंग कराते हैं। ये बोट्स यहाँ खड़ी हैं, एक चक्कर के ये लोग 700 रुपये चार्ज करते हैं। ये छोटा सा चक्कर देते हैं ये, और 700 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ पे। बाकी ये सेफ्टी का इंतज़ाम है, लाइफ जैकेट्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं। ये देते हैं 700 रुपये चार्ज करते हैं। एक ये यहाँ पे बड़ी बोट है, ये है तो ये कोई शेड नमूने का, मगर ये बोट है। इसके अंदर जो है आप बुक करवा के इसको पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आपको ये दरिया के अंदर लेके जाएगी, यहीं बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये खाने की डिशें वगैरह ये वो सब लगी हुई हैं यहाँ पे। आप चाहें तो ये, मगर ये बुक कराने के ऊपर होता है, रिज़र्व कराना पड़ेगा आपको। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये चलता है, इसके अंदर चला जाता है। ये बीच में आप चाहें तो बड़ी खूबसूरती से बड़ा बेहतरीन तरीके से पूरी फैमिली इसमें इंजॉय कर सकती है। देख सकते हैं अभी एक फैमिली यहाँ पे आई है, ये बोटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखें बड़ा अच्छा, ये सेफ्टी का इंतज़ाम है, लाइफ जैकेट बच्चों को पहनाई जा रही है। ये देखें, ये सही को भी लाइफ जैकेट पहनाई जा रही है। ये देखें, उसके बाद इसमें बैठेंगे, ये चक्कर लेंगे, चलें। ये सिंधी सकाफत के मॉडल्स कुएँ के, ये देखें आप, इस बनाए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, देखिए बैठने का है, दरिया के किनारे पर सिटिंग अरेंजमेंट्स है। ये देखिए, ये सामने डिलक्स लाउंज इसको कहा जाता है, यहाँ पे बैठ के आप बहुत ज़बरदस्त तफरी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं ठंडी हवा में। ये एक फैमिली सामने बैठी हुई है शायद। बड़ा खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, माहौल बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए, ये ईजी चेयर्स वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, खाने का भी ऑर्डर दे सकते हैं आप, अपने घर से भी ला सकते हैं। बड़ा यहाँ पे एक ठंडी हवा का झोंका, धूप से बचाओ। ये इस जगह को डीलक्स पॉइंट कहा जाता है, यहाँ से दरिया का बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। देखिए, ये डीलक्स पॉइंट के बिल्कुल बराबर में ये एक झूला लगा हुआ है, ये एक झूला लगा हुआ है, इसको सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे, यहाँ पे आप बैठ के बिल्कुल रिलैक्स भी कर सकते हैं और सेल्फीज भी ले सकते हैं। ये झूला है, ये देखिए, ये एक ये है यहाँ पे, ये बना हुआ है एक, इस जगह को सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, इंसान यहाँ बैठे झूले खाए, हवा लगती है, सामने दरिया सिंध, परिंदों की आवाज़ें, सुकून ही सुकून, बिल्कुल सुकून.com। आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, घंटों के हिसाब से यहाँ बैठ सकते हैं, आपका जाने को दिल भी नहीं चाहेगा यहाँ पे। ये देखें आप, रिवर व्यू रिजॉर्ट के लॉन्स में ये देखिए बतखें बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। देखते हैं कौन कौन से परिंदे हैं इसमें। ये एक फाउंटेन है मगर ये बंद है। बतखें यहाँ पे खुली है, देखिए पानी खड़ा हो गया है बारिश का, तो उसमें बतखों के मज़े आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये परिंदों का बाग है।
परिंदे तो इसमें कोई ख़ास नहीं है, मुर्गे वगैरह हैं, बाकी खाली पड़ा ही है। चलिए चलते हैं वापस। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे अच्छा है, जगह जगह इन्होंने बेंचेस लगाई हुई हैं, मगर सिर्फ शाम के टाइम, दोपहर के टाइम यहाँ पे आप ना आए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कोई साया नहीं है। ये देख सकते हैं तपती धूप है यहाँ पे, कश्तियाँ वगैरह जो ख़राब हो जाती हैं उसको यहाँ रख दिया इन्होंने, बाकी तपती धूप है। अगर आप यहाँ पे दिन के टाइम में आ गए तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे आएँ, यहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिसमें आपको थोड़ा साया मिल सके। ये बच्चों के लिए यहाँ एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है, ये देख सकती हैं। यहाँ से चलते हैं बीच से ही, ये बच्चे देखिए आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे ऐसा है, ये देखिए। अब यहाँ से दूसरे पार्क में चलते हैं, ये देखिए अच्छी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे इंतज़ाम आते हैं। आप अपने घर से सामान लाएं, ये देखिए जैसे एक फैमिली आई है सामने आपको नज़र आ रहा है, खाने का सामान, कूलर वगैरह, पानी वगैरह सारा ये अपना लेके आए हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये जो कैंटीन आपको नज़र आ रही है, जो मैंने दिखाई है, ये अच्छी है, मगर आपको यहाँ पे सबसे जो है कि यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ ये लोग पकी हुई नहीं रखते। आपको चाहे खाना पकाना हो या फ्रेंच फ्राइज़ लेनी हो, बिरयानी हो या कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, ये यहाँ पे आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके बाद ये तैयार करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप आए और ऑर्डर दें और 10 मिनट में आपको चीज़ मिल जाए, ये यहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं है। चीज़ शूटिंग के लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं जगह जगह, काफ़ी परिंदे बहुत हैं यहाँ पे, आज़ाद घूमते हैं। फ़ोटो आप अगर लेने हैं अपने अच्छे अच्छे तो यहाँ पर ऐसे बेशुमार पॉइंट्स हैं, मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ भी आप बैठेंगे आपको लातादाद मकड़ियों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जाले उन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे जगह जगह। आप 10 मिनट के अंदर अंदर समझ लें कि मकड़ियाँ आपके ऊपर जाला बुनने के लिए बिल्कुल एबिलिटी रखती हैं। ये रिवर व्यू रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर आते हैं और बाहर भी यहीं से जाते हैं। इसके साथ ये वॉशरूम की दीवार पे है और ये इसके साथ साथ ये देखिए आप ही पूरी दीवार पे गमले वगैरह लगा के बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। और इसको वॉल ऑफ प्लांट्स कहा जाए तो मुनासिब होगा, मगर मेरी नज़र में ये वॉल ऑफ प्लांट्स नहीं है, ये वॉल ऑफ क्रोज है। ये देखिए आप इस पर कौए कितने बैठे हुए हैं, ये देखिए ये तकरीबन 10-15 कौए अभी, और ये देखिए ऊपर ये सारे कौए ही कौए दरख्तों के ऊपर, यहाँ पर कौओं के झुंड हैं, ये देख सकते हैं आप। और अगर आप यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं तो आप यहाँ बैठ के ये इस पूरे बाग में कहीं भी अगर आप कुछ खाएंगे तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे खाएं, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे। अगर आप 4 फैमिली मेंबर हैं तो आपके साथ 24 कौए आपके चारों तरफ ज़रूर बैठे हुए होंगे और आपको कहाँ 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 तंग कर रहे होंगे, यहाँ पर ये माहौल ज़रूर है। तो ये था रिवर व्यू रिज़ॉर्ट का एक मुख्तसर सा व्लॉग जो आपको मैंने दिखाया। ये एक बेहतरीन तफरीगा है और सस्ती तफरीगा है, सिर्फ 100 रुपये की इंटरेस्ट में आप इंटर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मौजूद हैं खाने पीने की अशिया भी, कुछ ड्रिंक्स भी, हर चीज़ अवेलेबल है, मगर आप पर ये पाबंदी नहीं है कि आपने यहीं से ख़रीदना है दूसरी जगहों की तरह, और आप बाहर से नहीं ला सकते। आप बाहर से भी अपना पानी भी ला सकते हैं, खाने की चीज़ें भी ला सकते हैं और यहाँ पर इसको इंजॉय भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई ख़ास हट बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए 4000 रुपये आपको 24 घंटे के पे करना पड़ेंगे, और एक दो शेड्स हैं जो आप रिज़र्व करा सकते हैं 1000 रुपये में 2 घंटे के लिए। मगर अगर पब्लिक ना हो तो 2 घंटे के बजाय आप सारा दिन बैठ जाएं, और अगर पब्लिक भी और बिल्कुल कोई यहाँ पर सन्नाटा हो या कोई कम लोग हों तो आप बग़ैर उसको रिज़र्व कराए भी बैठ सकते हैं। प्लस में यहाँ बोटिंग है, उसके आपसे 700 रुपये ट्रिप के चार्ज किए जाते हैं, बाकी उसके अलावा यहाँ पे कोई वो नहीं है, सिर्फ जस्ट ये एक पार्क है। इसमें आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें, बच्चों को लेके आएँ, वो यहाँ खेलें
और बस। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल असद ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।